इसका फॉर्मूला है, पहले तो मैं आपको दोनों वो खा देता हूँ पहले, क्या नाम है जाए? पहले मैंने जनरलाइज फॉर्म में ले लेता हूँ दो इक्वेशन का, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, हम लिनियर इक्वेशन में दो पेयर ले लिए हैं। और ये हम किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, नाउ वी आर डीलिंग विद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड टू सॉल्व और टू फाइंड आउट the two variables value from two equation given cross multiplication, okay? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा, हम जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यूट्रलाइज कर रहे थे, एलिमिनेट कर रहे थे, वो नहीं बोल रहा है। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का एक प्रॉपर सिस्टम है, आपको बता देता हूँ। दोनों के कोफिशियंट देखिए, पहले इक्वेशन में एक सी कोफिशियंट, हमने स्लोप के केस में भी आपको वही समझाया था, दी रेशियो अगेन इट इज कमिंग विद डिफरेंट वन, एक्स का कोफिशियंट ले लेंगे, वाई का कोफिशियंट ले लेंगे और दिस इज द कांस्टेंट कोफिशियंट, ठीक है, कांस्टेंट यानी इंटीजर, यहां पे हम वन लिख सकते हैं या कांस्टेंट लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे जो कोफिशियंट है फर्स्ट इक्वेशन का, दिस इज ए वन, अनदर इज ए टू, सेकंड इक्वेशन में ए टू है एंड फर्स्ट इक्वेशन वाई के लिए बी वन है एंड दिस इज बी टू है एंड दिस इज सी वन है, दिस इज सी टू है, ठीक है। अब दोबारा साइक्लिक ऑर्डर के लिए मैं फिर एक बार एक्सी कोफिशिएंट लिख देता हूं, कुछ लोगों को समझ में ज्यादा आता है, ठीक है जी, ऐसे कर सकता हूं। ठीक है, चलो इसको रहने देता हूं। अब इसमें जो है इनकी जो ऑर्डर है, इनमें ए बी सी और ए क्या होता है, इसकी जो एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, जो एक्स की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो इसकी हम इसको स्किप कर देंगे, इसको स्किप करके हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे कि बाकी जो कोफिशिएंट है उनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसीलिए इसके नाम पड़ा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक की वैल्यू जब लेना है तो इसमें एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे हमें x का जब लेना है y एंड c लेना है, तो इसको सजाने के लिए हमने ये वाले कोएफिशिएंट ले लिया, पहले x का ये है, y का ये है और कांस्टेंट का ये है। अब इसको जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे अपना इजी के लिए, देखिए x के टाइम में हमें लेना है y का और कांस्टेंट का, तो हम ये काम कर लें y का और इसकी, अब x पकड़ कर लें, तो x के केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी एक्स के केस में पहले क्या होगा ना, ये होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई ये होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई ये होगा, ठीक है। तो इसके केस में हम लेंगे एक्स ओवर बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, ये हो गया एक्स बराबर, अब लेना वाई का, अब हम वाई भूल जाए, वही जब भूल जाए तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है ना ये कांस्टेंट और एक्स, इस केस में ये क्या होगा ना सी इक्वल टू वाई ओवर क्या करूंगा ना, इसकी जो है नेक्स्ट टर्म, इसके हमेशा नेक्स्ट टर्म ये वाला लेना है, तो इसकी नेक्स्ट टर्म स्टार्टिंग पॉइंट ये लेंगे, तो इसकी नेक्स्ट टर्म स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसको हम दूसरी हिसाब से आपको बोल देते, थोड़ी कोई लोग इसको बोलता है इसकी बी कैप बी सी फिर ए फिर बी, इसको इस तरह की लिखते हैं, फिर आपको इजी हो जाएगा कि एक्स के टर्म में, चलो मेरे हिसाब से ये इस वाली तरह। सो वाई के केस में हमें ये है ही नहीं मान के चले, तो इस केस में क्या हो जाएगा ना, दिस इज सी नेक्स्ट टर्म, इसकी जो नेक्स्ट टर्म है दिस इज सी, तो सी वन और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा ए टू, तो सी वन ए टू और फिर माइनस कितना होगा
ना ये वाला मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ए वन सी टू इक्वल टू ए वन सी टू। अब देखिए अगला केस में इसका नेक्स्ट टर्म क्या है, इसलिए मैं बोल रहा था कोई लोग साइक्लिक ऑर्डर में लेता है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, यही आएगा ना, इसके बाद साइक्लिक ऑर्डर में यही आएगा, तो इसीलिए इसकी जो नेक्स्ट होगा अब ये यहाँ से सर्व होगा कट होगा, ये भूल जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा इक्वल टू वन ओवर ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ठीक है, इसको ग्राफिकली भी कोई लोग दिखाते हैं बुक की फॉर्म में, ऐसे दिखाते हैं कि भाई बी वन सी वन ए वन बी वन, मैं जैसे बोला बी कैप सी ए बी बी कैप, अब इस तरह के भी याद रख सकते हैं, आपको इजी हो जाएगा फिर। ठीक है, यानी वाई एक्स के केस में, एक्स के केस में हम क्या ले लेंगे ना, बी सी के बीच में होगा, एक्स बी सी के बीच में होगा और वाई होगा ए सी के बीच में और वन होगा यानी कॉन्स्टेंट होगा ए बी के बीच में, ऐसे करके लेते हैं कि भाई ये इसके बीच में है, ये इसके बीच में है, ये इसके बीच में है। तो फर्स्ट इक्वेशन में बी वन सी वन ए वन बी वन एंड सेकेंड इक्वेशन में बी टू सी टू ए टू बी टू, अब जिसको जैसे आपको अंडरस्टैंड हो सकता है बेटर वो करें। ठीक है, तो एक सी केस में कितना हो गया ना, ये अब इसमें देखिए हमारे केस में भी बी वन सी टू एंड माइनस बी टू सी वन बी टू सी एन। वाई के केस में क्या है ना, वाई के केस में दो टर्म नेक्स्ट वाला होगा ये वाला सी वन बी टू, वाई के केस में सी वन बी टू वाई टू, वाई के केस में सी वन ए टू, हाँ सी वन बी टू हो गया ना, इधर आएगा सी वन ए टू एंड दिस इज सी वन ए टू एंड माइनस इज सी टू ए वन, सी वन ए टू माइनस ए वन सी टू और सी टू ए वन, व्हाटएवर यू कैन से। ठीक है, अब वन के ओवर में क्या हो जाएगा, वन के ओवर में हो जाएगा ए वन बी टू, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। तो आप जैसे सोच सकते हैं, जैसे आपको याद रखना पसंद है, बी कैप लिख सकते हैं, फिर इसको बी वन सी वन ए वन बी वन देन बी टू सी टू ए टू बी टू, फिर ये दोनों को क्रॉस कर दें तो ये हो गया एक्स का, ये दोनों का क्रॉस कर दें ये हो गया वाई का, ये दोनों का क्रॉस कर दें ये हो गया कॉन्स्टेंट का या वन का। ठीक है, या मैं जैसे बोल रहा हूं इसको भी आप याद रख सके, भाई इस केस में यहां पे भूल जाए, एक्स के केस में एक्स को भूल जाए, नेक्स्ट टर्म टॉप स्टार्ट यहां से यहां, पहले यहां जाएगा फिर माइनस यहां जाएगा, वाई के केस में यहां भूल जाए फिर नेक्स्ट टर्म दिस वन, तो इसके साथ दिस वन माइनस इसके साथ, एंड कॉन्स्टेंट के केस में क्या होगा, कॉन्स्टेंट के केस में इसको भूल जाए नेक्स्ट टर्म साइक्लिक टॉप टर्म माइनस। ठीक है, ये हो गया इसके हिसाब से इसकी सॉल्यूशन के लिए। साथ देखिए ये सारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसलिए हम इसको बोला है, इसके नाम पड़ा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो वी से दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सम एग्जांपल लेट अस टेक, ये जनरली ट्रिकी होता है, ट्रिकी मतलब आदमी से गलती ज्यादा हो जाता है, छूट जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो इसीलिए इसको ध्यान से थोड़ी करने की जरूरत है। चलो कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं, पहले एक सिंपल एग्जांपल ले लें, x माइनस थ्री वाई
माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन वन. देन 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू जीरो, इक्वेशन टू. ठीक है, अब इसमें बोले सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हमें सॉल्व करना है. कैसे करें सब देखिए, हमने बोला था x के केस में जो x की वैल्यू होगा x अपन x भूल जाए, फॉरगेट अबाउट दिस. नाउ व्हाट रिमेनिंग y एंड कांस्टेंट. तो y की कोफिशिएंट है क्या है, टॉप से बॉटम, टॉप टू बॉटम जाएगा ना, माइनस 3 इनटू माइनस 15 माइनस बॉटम टू टॉप माइनस 3 इनटू माइनस 7 इक्वल टू y ओवर. अब हम इसको भूल जाए, y को भूल जाए, y को भूल जाए, क्या रह गया x. सो x इंटू वन कोफिशिएंट इंटू माइनस 15 माइनस 3 इंटू माइनस 7 एंड वन ओवर. अब भूल जाए इसको, कॉन्स्टेंट वाल को भूल जाए, कॉन्स्टेंट को भूल जाए, क्या रह गया x and y. So this is 1 into minus 3 coefficient minus of this into this minus of this into this 3 into minus 3. Correct? So, आप इसको आप solution करें. x over, so this is or x over, x over, this is minus minus plus, so this is 45. This is 45, then this is 21, minus minus plus, again minus, so this is minus 21 equal to y over, this is minus 15, then minus minus plus, this is 21 equal to 1 over, this is minus 3, and this is minus minus plus plus 3. Minus 3 and plus 3. Let it check whether this one correct or not. This is 1 minus 3 and this is 3 minus 3. So this is not plus 3, this is 9. Sorry. The 3 is 9. ठीक है? So क्या हो गया? इसके x over, so or equal to x equal to x over, this is 4 and this is 24 equal to y over, this is 6 equal to 1 over 6. Okay? So, क्या हो गया इसको? और x by 24, you can write 1 over 6 and y over 6 equal to 1 over 6. हम लिख सकते हैं? चलो, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 24 ओवर 6, दिस इज 4 एंड y इक्वल टू 6 काट, सो y इक्वल टू 1. सो द आंसर इज x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 1. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या किया हमने, कोफिशिएंट ऑफ a1 into this one, जब x का लेना है तो नेक्स्ट टर्म टॉप दिस टू दिस देन माइनस दिस टू दिस. फिर y का जब लेना है, y को हमने क्या कर दिया, y को नेगलेक्ट कर दिया, देन दिस नेक्स्ट टर्म दिस दिस टू दिस टॉप टू बॉटम एंड माइनस दिस टू दिस. जब हमें कांस्टेंट टर्म का लेना है तो हमने क्या किया, नेक्स्ट साइक्लिक ऑर्डर, सो दिस टू दिस टॉप टू बॉटम माइनस दिस टू दिस. ठीक है, दिस टू दिस, सॉरी दिस टू दिस, बिकॉज कॉन्स्टेंट टर्म लिया तो x एंड y इज प्लेइंग ऑन द रोल, सो दिस टू दिस. ठीक है, ये हो गया इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, एक भरा प्रॉब्लम भी लेते हैं फिर इसको वाइंड अप करते हैं. ठीक है, चलो सो क्वेश्चन नंबर 1-3, लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. ये पहले माइनस 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 दिया हुआ है, मैंने इसको बस इंटरचेंज कर दिया टू द दिस साइड ऑफ दिस यू नो इक्वल साइन,
because we need the form of this one a1x, then b1y plus c1 equal to 0 इस फॉर्म में चाहिए, तब देखें हम प्लस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको सारे माइनस में कर लिया इधर इक्वल साइन के इधर, ठीक है। अब x के केस में आप यहाँ पे देखिए x क्या हो जाएगा ना, x आप x को फॉरवर्ड कर लीजिए, फिर आपको y और कॉन्स्टेंट के बीच में काम कर लीजिए, ठीक है। y कितना है ना, फर्स्ट जो y है टॉप में माइनस 5 इंटू माइनस 40 एंड दिस इज माइनस ऑफ माइनस 10 इंटू माइनस 20, ठीक है, माइनस 10 इंटू माइनस 20, ठीक है। चलो अब हो गया y के केस में, अब फॉरगेट y, नाउ फॉरगेट अबाउट y, देन यू कंसीडर x एंड कॉन्स्टेंट। तो y के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या है, दिस टर्म, सो दिस इज टॉप टर्म माइनस 20 इंटू 6 दिस वन मल्टीप्लीकेशन इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 40, करेक्ट। एंड अब जब कॉन्स्टेंट की बात आएगी वहां पे देख लीजिए कॉन्स्टेंट में क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 बाय, इसको भूल जाइए, नेक्स्ट टर्म साइक्लिक ऑर्डर, इट विल कम बैक टू दिस वन, सो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो दिस इज 3 इंटू माइनस 10 माइनस माइनस 5 और माइनस दिस इज 6 इंटू माइनस, ठीक है। यानी आप देख लीजिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, दिस इज 6 ओवर दिस इज माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 200 एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस, सो दिस इज माइनस 200 इक्वल टू दिस इज y ओवर माइनस 120 एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस, दिस इज प्लस 120 इक्वल टू 1 ओवर दिस इज माइनस 30, दिस इज माइनस माइनस प्लस, दिस इज प्लस 30, ठीक है। रेस करें तो क्या हो गया, दिस इज x ओवर 200 बाई 300, दिस इज 0, y ओवर माइनस 120 प्लस 120 0 एंड 1 ओवर दिस इज 1 ओवर 0। ये देखो भैया ये इंफिनिटी आ गया सारे जीरो में, इससे कुछ पता ही नहीं लग रहा है, इसके मतलब दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इक्वेशन दे आर इंटररिलेटेड ईच अदर बाई सम अदर मीन्स हैविंग नो कॉमन पॉइंट और नो एनी पर्टिकुलर यूनिक सॉल्यूशन कोई यूनिक वैल्यू नहीं दिखा रहा है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा है, इनफाइनाइट नंबर दिखा रहा है। तो हम इसको कैसे चलेंगे, यहाँ पे जैसे हमने रेशियो ऑफ कोफिशिएंट देखा था चेक करके उसकी ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करने के लिए, अब हम चेक करेंगे कि ये कैसे बिहेव कर रहा है एक दूसरे के साथ, हाउ एक्चुअली ग्राफ इज, बिकॉज हम एल्जेब्रिकली चल रहे हैं, या अगर ग्राफ में होता बहुत इजीली आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते थे, या यहाँ पे आप एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन किया तो इस फॉर्म में आया, तो उसके डिनोशन क्या है, आप हमें पक्का ग्राफ में जाना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द रियल थिंग। a1 / a2 में देखिए 3/6, b1 / b2 में देखिए -10 माइनस 5 / -10 एंड दिस इज c1 / c2 इज द -20 / -5, सो दिस इज नथिंग बट द हाफ, दिस इज अगेन हाफ एंड दिस इज अगेन हाफ, यानी देखिए दिस आर ऑल इक्वल, यानी क्या हो गया, यानी हमारे केस में जो ग्राफ होगा इन तीनों दोनों लाइन का दिस आर ऑल इक्वल्स। तो इसका मतलब क्या है, आपको फिर दोबारा लेके चलता हूं, जो इनिशियली हमारा डिस्कशन था कि जो कोफिशिएंट एक्स और वाई का अगर सेम है दैट मींस बोथ आर हैविंग द स्लोप सेम, या तो ऐसे हो सकता है स्लोप दोनों का सेम है, या तो ऐसे हो सकता है कि दोनों एक ही साथ में लय कर रहे हैं, L1 और L2 और L1 और L2, दो केस हो सकता है,
बट यहाँ पे सी वन एंड ऑल्सो सी टू आर सेम, दैट मीन्स वॉट, दैट मीन्स सी वन सी टू जब सेम है यानी इसके मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सी है, जो इनिशियल ड्रिफ्टिंग, इनिशियल ड्रिफ्टिंग है, इनिशियल स्टार्टिंग है, दिस इज सी वन एंड सी टू आर ऑल्सो इक्वल. सो दिस इज नॉट द केस ऑफ पैरेलल बट इट इज द केस ऑफ इंसिडेंस. यानी शुरू की जो सी वन सी टू है वो सबके लिए दोनों ऑन पे एंड कम टू क्लोजर. तो देखिए यहाँ पे इसका सी टू है, इसके यहाँ पे सी वन है. नाउ हम बोल रहे सी वन भी सी टू भी सेम होगा, यानी दिस लाइन एक्चुअली कम इन टू ओवरलैप ऑन दिस लाइन. सो इट्स ए कोइंसिडेंस लाइन केस. सो दिस इज नॉट द केस ऑफ पैरेलल. और कोइंसिडेंस केस में हम जानते हैं इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइंस ऑफ टू एंड बोथ आर सेटिस्फाइंग ईच अदर, और इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, कंसिस्टेंट है एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज अवेलेबल. इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज अवेलेबल. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक लर्निंग मिली कि कोई बार ग्राफ की मेथड में जो समझ में आएगा वो आपको एल्जेब्रिकली उसको इतना क्लियरिटी नहीं होगा, बट एल्जेब्रिकली इसलिए करते हैं अगेन एवरीथिंग इसको इजीली हो जाता है. ग्राफ में कोई बार नॉन इंटीजर नंबर और फ्रैक्शनल नंबर हम उसको डिनोट नहीं कर सकते, ग्राफ में प्लॉट नहीं कर सकते, सो वी गो फॉर द एल्जेब्रिक मेथड. सो एल्जेब्रिक मेथड में हमने देखा एलिमिनेशन मेथड, एस्टिमेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, मेरे ख्याल से आप बढ़िया से अंडरस्टैंड हो गया. लेट्स स्टॉप नाउ. ओके, थैंक यू.